नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। एक बार फिर से लाया हूं आप सभी के लिए किडनी से जुड़ी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस जो आप कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको किडनी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आसानी से मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी पेशेंट को किस तरह की इंडियन डाइट फॉलो करनी चाहिए। अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की तो हम यही कहेंगे कि यह किडनी फेलियर से बचने का एकमात्र इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से किडनी पेशेंट इस समस्या से निदान नहीं पाते और अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव। जब किडनी फेल होती है तब किडनी पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। डायलिसिस लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि डायलिसिस के बाद किडनी सिर्फ 10% ही काम कर पाती है। किसी भी सर्जरी के बाद हीलिंग के लिए कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पेडनिसोन के हाई डोज की वजह से मसल्स ब्रेकडाउन होती हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट को प्रोटीन कंज्यूम करने की एडवाइस दी जाती है। पेशेंट कुछ फूड प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि बॉयल्ड चिकन, एग वाइट और डेयरी प्रोडक्ट, गुड़, फ्रूट योगर्ट, पुडिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुकीज़, कैंडी, आइसक्रीम और केन्ड फ्रूट जूस। साथ ही ऐसे पेशेंट हाई सोडियम फूड प्रोडक्ट भी अवॉइड करें। इसकी कंजप्शन से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे किडनी पर प्रेशर पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए ऐसे पेशेंट हाई शुगर फूड प्रोडक्ट को अवॉइड करें। पेशेंट बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर भी पी सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ किडनी को भी हेल्दी रखता है। ऐसे पेशेंट कुछ वेजिटेबल्स भी अवॉइड करें, जैसे कि आर्टिचॉक, ड्राइड बीन्स, पीज, पम्पकिन, टमाटोज, पोटैटोज, वेजिटेबल जूस और विंटर स्क्वैश। इसकी जगह आप कैरेट, कैबेज, रेडिश और स्पॉन्ज गार्ड खा सकते हैं। अब हम आपको आयुर्वेद से जुड़ी कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनके सेवन से आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप किडनी फेलियर की समस्या से भी निदान पा सकते हैं। मुत्रा करिचंतक चूर्ण, यह जड़ी बूटी किडनी फेलियर, किडनी की पथरी, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, नेफ्रेटिस, डायलिसिस के इलाज में काफी फायदेमंद साबित होती है। इसका सेवन आप एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद दिन में दो बार कर सकते हैं। पुनर्वा मंडूर, यह जड़ी बूटी किडनी फेलियर के इलाज के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि ब्लड में छुपे वेस्ट मटेरियल्स को अलग करता है और यही नहीं, यह आपकी बॉडी में ब्लड की क्वालिटी को भी अच्छा बनाती है। इस जड़ी बूटी की दो गोलियां आप डेली भोजन के बाद सादे पानी के साथ डेली ले सकते हैं। वरुणादि वटी, ये जड़ी बूटी आपकी किडनी फेलियर के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन को भी खत्म करती है। इसका सेवन आप दो गोलियां भोजन के बाद सादे पानी के साथ दिन में कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी पेशेंट को किस तरह की इंडियन डाइट फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप इसी तरीके से किडनी से रिलेटेड जानकारियां पाते रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।